एवरीवन, माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू लेके। बट आज का जो प्रोडक्ट है वो स्किन केयर का नहीं होने वाला है, आज का होने वाला है एक मेकअप प्रोडक्ट। बट जो ब्रांड है प्लम गुडनेस, हम सभी जानते हैं प्लम गुडनेस इज वेल नोन ब्रांड जो उन्होंने लॉन्च किया है फेस प्राइमर। यस, आपने सही सुना, प्लम गुडनेस स्किन केयर में तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इवन उन्होंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इन द पास्ट में, लिपस्टिक्स जिनके रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इफ यू वांट टू वॉच तो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, मस्कारा, काजल एंड मेनी मोर। अब उन्होंने लॉन्च कर दिया है फेस प्राइमर जो है प्लम प्रेप सेट गो फेस प्राइमर, जो आपके मेकअप को स्मूथ बनाएगा और आपके जो ओपन पोर्स है उसको मिनिमाइज करेगा। तो ये फेस प्राइमर आज मैंने मेकअप से पहले अप्लाई किया था, तो मैंने देखा कैसा है कैसा नहीं है, वो भी इस वीडियो में आपके संग शेयर करूंगी और एक रिव्यू भी आपके संग इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की ढेर सारी वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्राइमर की आप देख सकते हैं आउटर पैकिंग कुछ इस टाइप की है, पर्पल काइंड ऑफ, जिसपे लिखा है प्लम प्रेप सेट गो स्मूथनेस एंड मिनिमाइज पोर्स। और अंदर से आपको मिलता है ये 30 ml की क्वांटिटी, इट्स ऑल्सो इन पर्पल कलर और ब्लैक कलर का लिखा है प्लम प्रेप सेट गो एंड स्मूथनेस एंड मिनिमाइज पोर्स। तो ये आपको मिलता है 30 ml, जिसका प्राइस आपको मिल जाता है अराउंड 525 rupees, जिसका MRP है। बट ये प्लम गुडनेस की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, पर जब ये लॉन्च हुआ था तो मैंने इसको 424 के अराउंड लिया था। इसका बाय लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेस प्राइमर है ये बिल्कुल वेटलेस फॉर्मूला है और प्लस इट्स अ सॉफ्ट मैट फिनिश, लाइक सॉफ्ट सिलिकॉन काइंड ऑफ इसका टेक्सचर है और पूरी तरह से ना ये मैट कर देता है। और जब मैंने इसको मेकअप से पहले आज अप्लाई किया था तो एक मेकअप के अंदर ग्लो भी आया था। एंड दिस इज अ परफेक्ट कैनवास टू स्टार्ट योर मेकअप बेस, दिस इज अ परफेक्ट बेस है आपका एक फ्लॉलेस मेकअप के लिए, बिकॉज प्राइमर इज अ मस्ट। अगर प्राइमर की एक शॉर्ट में अगर आपसे बात करूं तो प्राइमर इसलिए लगाया जाता है, एक लेयर लगाई जाती है जिसके ऊपर हम जब मेकअप अप्लाई करते हैं तो आपका जो मेकअप है उसके जो केमिकल्स हैं वो अंडर आपके ना जाएं, आपका मेकअप के ऊपर एक लेयर लग जाती है। तो जब इसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन, कंसीलर और जितनी भी चीजें हम अप्लाई करते हैं मेकअप में, वो आपके ना स्किन के अंदर डीपली नहीं जाता। तो बस एक प्रोटेक्शन होता है प्राइमर, जो आपके फेस को प्रोटेक्ट करके रखता है, अच्छे से आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है। दिस इज अ फ्रेग्रेंस फ्री एंड दिस इज 100% वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री एंड पैराबेन फ्री। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है या फिर मेकअप में करने के बाद आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन। और ये फेस प्राइमर एक फ्लॉलेस बेस बना देता है, लाइक है तो ये काइंड ऑफ सॉफ्ट मैट फिनिश वेटलेस फॉर्मूला है, बट जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको एक फ्लॉलेस मेकअप निकल के आएगा। मैंने अभी आप देख सकते हैं कुछ खास मेकअप नहीं किया है, मॉइस्चराइजर, देन आगे आप देखेंगे मैंने इसको कैसे अप्लाई किया था। मॉइस्चराइजर के बाद ये प्राइमर अप्लाई किया था, देन फाउंडेशन, कंसीलर भी आई थिंक मैंने आज नहीं लगाया, उसके बाद फाउंडेशन के बाद सीधा मैंने अपना आई शेडो वगैरह जो लिपस्टिक वगैरह है बस दैट से ज्यादा नहीं किया है। बट देख सकते हैं माई मेकअप इज लिटिल बिट नाउ ओके, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट इन मेकअप, आई एम परफेक्ट इन स्किन केयर। तो आप देख सकते हैं मेकअप इज नाउ वेरी फाइन, मेरे को अभी 2-3 hours से ऊपर हो गया है, मेकअप अच्छे से सेट है, बिल्कुल भी नहीं निकला है। इवन मेरे टी जोन पे ना बहुत स्वेटिंग होती है, ओपन पोर्स मेरे इस एरिया पे ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्मूथ टेक्सचर मेरा मेकअप को मिला है। जब इस प्राइमर को मैंने अप्लाई किया था वो भी आप आगे देखेंगे कि मेरा फेस कैसा लग रहा था। इफ यू वांट कि आपका मेकअप पूरे दिन तक सेट रहे अच्छे से, कहीं भी खिसके ना, तो प्राइमर इज अ मस्ट। तो ये प्राइमर भी बहुत अच्छे से लॉन्ग आवर तक आपके मेकअप को सेट करके रखेगा और ये जो मेकअप बेस है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। लाइक जब इस प्राइमर को मैंने अप्लाई किया था उसके बाद जब फाउंडेशन अप्लाई किया था बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है और अच्छे से सेट हो जाता है। और इसके अंदर आर्गन ऑयल है एंड रोज हिप ऑयल्स है इसके जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसको मैंने कैसे यूज किया था और कैसे अप्लाई किया था। मैं इस प्राइमर को यूज करूंगी। तो मेकअप में सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हैं, तो मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, देन उसके बाद ही प्राइमर लगाया जाता है। भले आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है या फिर किसी भी तरह की है, सबसे पहले मेकअप में मॉइस्चराइज करिए अपने फेस को, देन यू हैव टू अप्लाई प्राइमर। तो अब इसको मैं अप्लाई करूंगी। तो आपको ज्यादा अमाउंट नहीं लेना है, तो इसका टेक्सचर से मैंने आपके संग शेयर किया, सिलिकॉन काइंड ऑफ टेक्सचर है। जैसे कि आप टेक्सचर की बात करो तो इसका टेक्सचर सॉफ्ट मैट काइंड ऑफ टेक्सचर है, काइंड ऑफ सिलिकॉन है। तो थोड़ा सा लेके आपको या तो पूरे फेस पे लगा लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पोर्स का इश्यू है, मेरा टी जोन पे बहुत ज्यादा ऑयल होता है जब मैं मेकअप यूज करती हूँ,
तो मैं ज्यादा फोकस करती हूँ अपनी टी जोन पे, बट कभी कभी मैं पूरे फेस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। बट गाइज इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया। सेम और भी इस तरह के सिलिकॉन जो सॉफ्ट सिलिकॉन मैट फिनिश्ड काइंड ऑफ होते हैं, तो वो क्या होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं मेकअप के लिए, अंडर मेकअप यूज करने में आपका मेकअप अच्छे से सेट रहता है लंबे टाइम तक, और आपके ओपन पोर्स अच्छे से अनविजिबल हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है आपका जो मेकअप है और फ्लॉलेस लगता है। तो मैं अपने टी जोन से होते पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी, बट इफ यू वॉन्ट तो ओनली आप अपने वहां पे अप्लाई कीजिए जहां पे आपको ओपन पोर्स का ज्यादा इश्यू है। तो मैंने अब अच्छे से इसको लगा लिया है, देन इसके बाद अपना फाउंडेशन कंसीलर। बट याद रखिए जब इस प्राइमर को आप अप्लाई करो या कोई भी प्राइमर, तो यू हैव टू वेट एटलीस्ट 2 to 3 minutes, मतलब प्राइमर अच्छे से पूरे फेस पे सेट हो जाए, देन उसके बाद ही आप अपना फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई करें। तो मैंने अब अपना अप्लाई कर लिया है, देन आई विल स्टार्ट माई मेकअप, जिसके लिए मैं वेट करूंगी 2 to 3 minutes। तो डेफिनेटली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो आज का जो मेकअप मैंने किया था, सबसे पहले इसी प्राइमर को अप्लाई किया था, मुझे बहुत पसंद आया। प्लम गुडनेस से पहले बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट मैंने ट्राई की, जिसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक ट्राई की है, और लिपस्टिक का मैंने रिव्यू किया है अपने चैनल पे। उसके बाद ये सेकंड प्रोडक्ट है प्राइमर जो मैं ट्राई कर रही हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। तो डेफिनेटली आप जरूर ट्राई कीजिए इस प्राइमर को, आपको जरूर पसंद आएगा। आपकी स्किन ऑयली है, ओपन पोर्स का इशू है, सॉफ्ट मैट काइंड ऑफ है, तो लंबे टाइम तक आपका मेकअप भी अच्छे सेट रहेगा, आपको ऑयल जैसा मतलब आपका मेकअप मेकअप आपको मेल्ट नहीं होगा, सबसे अच्छी बात है। तो इसे अप्लाई करने के बाद 8-9 घंटे तक मेरा फेस पे मेकअप था, मेरा मेकअप बहुत लंबे टाइम तक भी रहा, और प्लस मेरा जो टी जोन है वो बिल्कुल ऑयली नहीं रहा, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू ऑल ऑफ यू एक बार तो ये प्राइमर जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। और इस फेस प्राइमर को मैं सभी को सजेस्ट करूंगी, बिकॉज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिनकी 80-90% स्ट्रेंथ आई थिंक 18 to 24 है, तो मैं उन सभी को सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर 18 to 24 में है, गर्ल्स हैं। तो उन सभी गर्ल्स को मैं सजेस्ट करूंगी ये फेस प्राइमर जरूर ट्राई कीजिए। क्रुएल्टी फ्री है, पूरी तरह से केमिकल फ्री है, तो किसी भी तरह का कोई आपको फेस पे नहीं ब्रेकआउट होगा, और प्लस आपका मेकअप लॉन्ग आवर तक रहेगा, या फिर आप डेली बेसिस पे कोई सॉफ्ट मेकअप भी कर रहे हैं ना के बराबर, बट आपको ओपन पोर्स इश्यूज है, आपको स्वेटिंग का इश्यूज है मेकअप के अंडर, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो ये था रिव्यू न्यूली लॉन्च प्लम गुडनेस फेस प्राइमर का रिव्यू, होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो मैं इसको अपने मेकअप में वैनिटी में ऑलरेडी एड कर लिया है, तो जब भी मेकअप करूंगी तो उसको जरूर अप्लाई करूंगी। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।